आरुन में संचालित दीनियात मकतब का वार्षिक जलसा रविवार को किला गली में आयोजित हुआ, जिसमें उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया। इसको इस तालीम हासिल कराएंगे और हम लोगों ने वो फैसला किया है। साथियों, आज छात्रों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई, जिसमें सभी की सराहना भी की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि एवं समाज सेवियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से आए उलेमा इकराम ने अपने विचार रखे। धर्म से, तमाम धर्म से कैसे मोहब्बत की जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम हो जाए कि पड़ोसी के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम हो जाए कि अपने वतन से किस अंदाज की मोहब्बत की जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम हो जाए कि अपने घर वालों की और अपने बड़ों की इज्जत किस तरह की जाए। ये सारी की सारी मेहनतें इस दीनियात मुनज्जम मकतब के जरिए से हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। पता चलता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जब एक हाथ में कुरान को लेंगे और दूसरे हाथ में दुनियावी एजुकेशन को लेंगे, तो फिर वो बच्चे अपने मुस्तकबिल को भी मजबूत करेंगे और अपने मुल्क को भी मजबूत करेंगे और अपनी गंगा जमनी तहजीब को भी मजबूत करेंगे। ये मालूम होता है कि जब एजुकेशन पास होती है तो लोगों के जहन खुलते हैं, बच्चों का दिल खुलता है। कार्यक्रम का संचालक शेखावत राय ने किया। इस मौके पर समाजसेवी पूरन सिंह, वकील, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिंटूलाल जैन, नगरपालिका के अध्यक्ष कृष्ण रघुवंशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, सदर फारूक बेग मिर्जा आदि लोग सम्मिलित रहे। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। कितनी सी बात नहीं समझ पा रही हो, बीमारियां परेशानी जिनको तुम जहमत समझ रहे हो, ये तो वाकई खुदा की रहमत है बहन।